हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइज, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब भी आप वहाँ पे कोई फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी कह सकते हो एप्लीकेशन, जब भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पर सारे एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ सेंटर मीडिया प्लेयर, यानी कह सकते हो विंडोज़ मीडिया सेंटर जो एक ऑप्शन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सब पे वो फिक्स हो गया है। यानी कोई भी एप्लीकेशन आप जब ऑन करना चाह रहे हो, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट विंडो मीडिया सेंटर पे चली गई हैं, या फिर किसी अनदर एप्लीकेशंस पे चली गई हैं जो ऑटोमेटिक विंडो मीडिया सेंटर को कॉल कर रहा है। यानी आप कोई एप्लीकेशन आप ऑन करना चाहते हो तो वो ऑन नहीं होती, बार बार एक वीडियो मीडिया सेंटर नॉट एक्सेस करके एरर दिखा रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, क्या हमें विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप एकदम बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। फाइनली हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो प्रॉब्लम। आपको सिंपल से अपने कंट्रोल पैनल को ऑन कर लेना है। जी हाँ, कंट्रोल पैनल को अगर ऐसे आप ऑन नहीं कर पाते हो तो क्या करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल और एंटर कर देंगे, आपके पास कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। याद रखिए, जो व्यू बाय लिखा है ये कैटेगरी मोड में होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर देखिए प्रोग्राम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपल सा प्रोग्राम ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके पास यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ़, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे हमारा पॉइंटर है, इस ऑप्शन पे सिंपल से हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पूरा प्रोसेस को ढंग से समझिएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे हमें एक फोल्डर ढूंढना है, कौन सा सेम जैसे कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है विंडोज़ मीडिया सेंटर के नाम का। चलिए हम ढूंढ लेते हैं विंडोज़ मीडिया सेंटर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ विंडोज़ मीडिया सेंटर। ये देखिए मीडिया फीचर लिखा हुआ है, हाँ ठीक, ये मीडिया फीचर क्या लिखा है, प्लस का ऑप्शन बना है, प्लस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आ गए, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है ना, तो मुझे विंडोज़ मीडिया प्लेयर नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा यस कर देना है। इसी तरह ऊपर वाला जो विंडोज़ डीवीडी मेकर है, इसको भी यहाँ से सिंपल सा यस कर देना है और उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कर देना है ओके। अब ये आपका दिखा रहा है कि प्लीज़ वेट वाइल विंडोज़ मेकिंग चेंजेस टू फीचर, दिस माइट टेक सेवरल मिनट, यानी थोड़ा सा उसको समय चाहिए। तो आप कम से कम मान के चलिए 5 मिनट आपके सिस्टम को लगने वाला है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 मिनट बाद ये जो आपके सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर चल रहा है आपके, देखिए आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये लगभग 5 मिनट का प्रोसेस लेगा, यानी 5 मिनट का समय लेगा। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप जैसे ही ओके करके क्लोज़ कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो आपकी प्रॉब्लम है वो 101% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।